31 अगस्त सन 2000 अमेरिका के शिकागो शहर के मेन हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ। तेज स्पीड में जा रही दो कारें आपस में टकरा गई। इनमें से एक कार में एक भारतीय परिवार बैठा था, पति पत्नी और एक बेटा व बेटी। ये कार दुर्घटना बेहद गंभीर थी। कार बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, लेकिन इतने खतरनाक हादसे के बावजूद कार में सवार भारतीय परिवार की जान बच गई। हादसे का शिकार हुई उस कार से किसी तरह एक आदमी बाहर निकला, लेकिन पीछे से आ रही एक और बेहद तेज रफ्तार कार ने उस आदमी को टक्कर मार दी। इस टक्कर में वो आदमी बुरी तरह से घायल हो गया। उसकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी कि उसे हेलीकॉप्टर से अस्पताल लेकर जाना पड़ा। अस्पताल वालों ने उस आदमी को देखा और जवाब दे दिया। वो आदमी मर चुका था और 20 साल पहले अमेरिका के शिकागो शहर के मेन हाईवे पर उस हादसे में मरने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम अभिनेता महावीर शाह थे, जो परिवार के साथ 2 महीने के लिए अमेरिका टूर पर गए थे। महावीर शाह बॉलीवुड का एक ऐसा खलनायक जिसने नेगेटिव रोल्स में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। एक ऐसा अभिनेता जो फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव किरदारों में ही नजर आया, लेकिन इन्हीं किरदारों से उसने सिने प्रेमियों के जहन में अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। किस्सा टीवी की आज की पेशकश समर्पित है महावीर शाह को, जो 3 दशकों तक सिनेमा, थिएटर और टीवी की दुनिया में अपने हुनर के दम पर छाए रहे और जिनका अंत इतना अफसोसनाक था कि जिसने भी वो खबर सुनी वो सदमे में आ गया। इनके करियर की शुरुआत हुई थी साल 1977 में आई फिल्म अब क्या होगा से। इस फिल्म में ये ड्राइवर के एक छोटे से किरदार में नजर आए थे। फिल्मों में आने से पहले ही ये थिएटर की दुनिया में एक्टिव हो चुके थे और गुजराती थिएटर में इनकी अच्छी पहचान भी बन चुकी थी। जन्मदाता, खेल, सखाराम बिंदर, साथी जैसे गुजराती नाटकों में इनके काम को बेहद पसंद किया गया था। हुजो तारे ईश्वर नाम के एक गुजराती नाटक का तो इन्होंने खुद निर्देशन भी किया था। अपने फिल्मी करियर में इन्होंने 80 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और खास बात यह है कि ये फिल्मों में ज्यादातर पुलिस वाले के किरदार में ही दिखाई दिए। किसी फिल्म में ये DCP बने तो किसी में इंस्पेक्टर, कुछ फिल्मों में ये हवलदार भी बने, लेकिन इनका निभाया पुलिस वाले का हर किरदार एक ऐसा किरदार होता था जो करप्ट और विलेन से मिला हुआ होता था। पुलिस वाले के किरदार के बाद इन्होंने सबसे ज्यादा वकील का रोल किया। गोविंदा की सुपरहिट कॉमेडी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता में इनका निभाया पब्लिक प्रोसिक्यूटर का किरदार हमेशा याद किया जाएगा। फिल्म यस बॉस में ये शाहरुख खान और आदित्य पांचोली के साथ नजर आए। उस फिल्म में ये आदित्य पांचोली के वफादार सेक्रेटरी बने थे। ये एक बेहद उम्दा एक्टर थे और जिस फिल्म में भी इन्हें काम करने का मौका मिला उसमें इन्होंने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया। फिर चाहे इनका रोल कितना भी छोटा रहा हो या फिर कितना भी बड़ा रहा हो, ये कहने में कुछ भी गलत नहीं है कि बॉलीवुड ने महावीर शाह की प्रतिभा के साथ कभी भी पूरा न्याय नहीं किया। इनको ज्यादातर छोटे मोटे रोल ही दिए गए। अगर इन्हें अच्छे और मजबूत रोल दिए जाते तो शायद मेन विलेन के रोल में ये भी उस जमात में अपना नाम शुमार करा लेते जिसमें अमरीश पुरी, प्राण, अमजद खान और डैनी जैसे नाम दर्ज हैं। बात अगर इनकी प्रमुख फिल्मों की करें तो इनके करियर की पहली सबसे बड़ी फिल्म थी 1981 में रिलीज हुई रिचर्ड एटनबोरो की फिल्म गांधी। हालांकि उस फिल्म में ये हवलदार के एक छोटे से रोल में ही नजर आए थे जो कि महज एक सीन के लिए ही था। इसके अलावा इन्होंने अंकुश, आखिरी अदालत, दयावान, तेजाब, थानेदार, 100 डेज, नरसिम्हा, बेनाम बादशाह, शोला और शबनम, हमशक्ल,
आंखें, फूल और अंगार, आ गले लग जा, राजा बाबू, कुली नंबर वन, सपूत, जुड़वा, सलाखें, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मेहंदी, कच्चे धागे, बादशाह, और 23 मार्च 1931 शहीद में काम किया था। फिल्मों के अलावा इन्होंने छोटे पर्दे पर भी काम किया और छोटे पर्दे पर इनका सबसे शानदार काम रहा जी टीवी पर प्रसारित होने वाला रामसे ब्रदर्स का जी हॉरर शो, जिसके 4 सीजन्स में इन्होंने काम किया था। जी हॉरर शो में इनका पहला सीजन था 1994 में टेलीकास्ट हुआ धुंध, जिसके कुल 6 एपिसोड्स थे। धुंध में ये लाला बांके लाल के किरदार में नजर आए थे। जी हॉरर शो में इनका दूसरा सीजन था 1995 में आया गुड़िया, जिसके कुल 7 एपिसोड्स थे। तीसरा सीजन था कब्रिस्तान, जिसके 6 एपिसोड थे और इसमें भी इनके काम को काफी पसंद किया गया था। वहीं चौथे सीजन का नाम था वापसी और इस सीजन का केवल 1 ही एपिसोड था। इस एपिसोड में भी महावीर शाह ने अपने टैलेंट को बड़े ही शानदार तरीके से पेश किया था। बात अगर इनकी निजी जिंदगी के बारे में करें तो इनका जन्म 5 अप्रैल 1960 को मुंबई में बसी एक गुजराती फैमिली में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम चेतना है। इनके बारे में इससे ज्यादा जानकारी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। जिस वक्त अमेरिका में इनका एक्सीडेंट हुआ था तो इनके साथ इनकी सहयोगी एक्ट्रेस सरिता जोशी और कुछ दूसरे कलाकार भी थे। ये सभी गुजराती नाटक साथी को अमेरिका में परफॉर्म करने के लिए गए थे। ये लोग मेन हाईवे से होते हुए डेट्रॉइट शहर से शिकागो की तरफ जा रहे थे, जब इनकी एक कार में एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मारी थी। महावीर शाह किसी तरह अपनी दुर्घटनाग्रस्त कार से बाहर निकलकर उसका मुआयना कर रहे थे कि तभी पीछे से आ रही एक दूसरी तेज रफ्तार कार ने इन्हें बेहद तेज टक्कर मार दी। उस हादसे में अभिनेत्री सरिता जोशी भी घायल हो गई थी। महज 40 साल की उम्र में ही एक बेहद टैलेंटेड कलाकार को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को खोना पड़ा। अब 20 साल बाद शायद ही कोई उन्हें याद करता होगा, लेकिन किस्सा टीवी ना सिर्फ इन्हें हमेशा याद करेगा बल्कि इनकी जिंदगी की कहानी को वीडियो की शक्ल देकर सिने प्रेमियों को भी हमेशा याद दिलाता रहेगा।